¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! आधारशिला रखा गया और मुझे लगता है सरकार के द्वारा ये एक अनूठा और एक ऐतिहासिक क्षण है कि आज सरकार के द्वारा धूमकुड़िया सामुदायिक भवन का निर्माण सरना स्तर के परिसर में किया जा रहा है। आदिवासी समाज हम सब लोग अपनी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों के साथ हमारे पूर्वजों ने यहां तक हमें पहुंचाया। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने समाज संस्कृति और प्रकृति के साथ आगे की राह पर ले चलें। आदिवासी समाज आज इस विकास के दौर में भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाया जहां आज इन्हें होना चाहिए। कई राज अपनी समाज संस्कृति के साथ अपनी सभ्यता के साथ देश के अग्रणी राज्यों में गिने जा रहे हैं। आज उसी लक्ष्य को पाने का उसी लक्ष्य तक इस समुदाय को पहुंचाने का हमारे आदरणीय मंत्री चंपई सोरेन जी के विभाग के द्वारा ये एक पहल शुरू होगी और उस पहल का पहला कदम आज रांची से शुरू हो रहा है। इससे पहले भी हमने थोड़ी बहुत प्रयास किए थे। आपको याद होगा फरकों में भी एक बहुत बड़ा सपना स्थल का एक नींव हमने रखा जो आज आपके समक्ष सपना स्थल के रूप में गिना जाता है। आज ये दूसरा पहल जहां हम अपने समुदाय को एक दिशा देने का प्रयास समाज और संस्कृति के साथ करने का हमारा ये प्रयास है। धूपकुड़िया शब्द एक ऐसा शब्द है जिस शब्द में हमारा बहुत कुछ रचा बसा है। ये धूपकुड़िया शब्द एक ऐसा शब्द है जहां हम गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, जहां हमारे परिवार हमारे बच्चे एकत्रित होते हैं, कई विचार विमर्श होता है, कई हमारे जो सामाजिक अगुआ साथी हैं, हमारे मानकी मुंडा पहान थोड़े माजी प्रगणित के नेतृत्व में उनके आदेशों का पालन किया जाता है। आज कहीं ना कहीं परिवर्तनशील समय में हम नई पीढ़ी को बहुत मजबूत और सशक्त समाज नहीं देखा पा रहे हैं। आज उसी को एक मजबूती के साथ एक पहचान देने का ये प्रयास है
आज ये सामुदायिक भवन लगभग 1.5 करोड़ का आपके इस परिसर में तैयार होगा, जो 12 महीना में पूरा किया जाएगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद है, ये धुमकुड़िया भवन राजनीति से अलग हटकर समाज के उत्थान के लिए दिन और रात काम करेगा और समाज को एक दिशा देने